दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में ये लावा का मोबाइल है और इसका मॉडल नंबर है A82। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो है FRP लॉक का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस मोबाइल का जो FRP लॉक जो है हम अनलॉक करेंगे आज बिना किसी कंप्यूटर के और बिना किसी सॉफ्टवेयर के और सिर्फ अपने हाथों से। तो दोस्तों पहले आप यहाँ पे देख लें इस मोबाइल को, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है FRP पे फंसा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्किप किया। स्किप करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस मोबाइल के अंदर में जो वाईफाई मैंने पहले से ही कनेक्ट कर दिया है इसका अनलॉक करने के लिए, तो आपको भी पहले इस मोबाइल को इस मोबाइल के अंदर में जो आपको वाईफाई कनेक्ट कर देना है किसी दूसरे मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो है स्किप का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है और इस मोबाइल को आज हम अनलॉक करेंगे बिना किसी बॉक्स के। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो आपको YouTube पे मिल जाएगी लेकिन वो सारी की सारी वीडियो फेक है और ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल आप करके देख सकते हैं, आप आजमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी टाइप कर देना है, कुछ भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ देर के लिए उंगली रखना है और उसके बाद यहाँ पे तीन डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे असिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे गूगल का जो विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे गूगल का विंडो जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम लिखना है, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ क्रोम लिखना है तो क्रोम ओपन हो जाएगा और क्रोम पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि गूगल क्रोम के इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लिक ऑफ निजार, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं गूगल पे जितनी भी वीडियो है वो सारी सारी फेक है और ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ये रियल है, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लिक ऑफ निजार, ठीक है। तो जब भी आप क्लिक ऑफ निजार यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद आपको मैं भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं क्लिक ऑफ निजार यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें इस पे क्लिक करना है, क्लिक ऑफ निजार पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है इसका जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है क्लिक ऑफ निजार, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसके वेबसाइट पे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन है, इस मेनू पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप मेनू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल APK, मोबाइल APK पे आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप मोबाइल APK पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्विक शॉर्टकट मेकर, ठीक है। तो सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्विक शॉर्टकट मेकर जो रेड कलर में है, इसे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपडेट का परमिशन मांगा जा रहा था, यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे में क्लिक कर देना है, उसके बाद अलाउ कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग हमारा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल पे और ये मोबाइल में जो डाउनलोड हो रहा है हमारा, तो इसमें थोड़ा सा हमको वेट करना होगा, उसके बाद हमें अपने फ़ोन को थोड़ा सा बैक करना होगा, वापस बैक जाना होगा हमें, ठीक है। वापस बैक जाने के बाद यहाँ गूगल क्रोम में हमें जो है फिर से एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड होने का। उसके बाद कुछ देर बाद हमें यहाँ पे फिर सर्च बार में हमें यहाँ पे टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आपने देखा जैसे हमने फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे टाइप किया उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद यह वापस हमें हमारे गैलरी में लेकर के चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये जो क्विक शॉर्टकट मेकर अभी हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है और सिंपली हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। तो जैसे आप गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर आपको यहाँ पे शो करेगा।
तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा दूं, आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे हमने गूगल अकाउंट मैनेजर यहां पे टाइप किया, ऊपर में दिखा रहा है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है गूगल अकाउंट मैनेजर पर। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा होगा, उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर टाइप एंड ईमेल पासवर्ड, यहां पे आपको एक बार सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहां पे एक बार क्लिक कर देंगे गूगल अकाउंट मैनेजर टाइप एंड ईमेल पासवर्ड पर, उसके बाद यहां पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। और जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप ऊपर में यहां पे देख रहे हैं तीन को डॉट दिखा रहा है यहां पे ऊपर में, तो यहां पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउजर साइन इन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पे आपको ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो यहां आप किसी भी ईमेल आईडी से यहां पे साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने किसी भी ऑन ईमेल आईडी से यहां पे लॉगिन करें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कैसे इसका FRP अनलॉक करना है, कैसे अनलॉक होगा। तो इस वीडियो को आप थोड़ा पूरा देखें, लास्ट तक देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने ईमेल अपना यहाँ पे डाल दिया है, अब यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते दोस्तों, हम अपना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे कि कैसे हमें इसका FRP अनलॉक करना है। तो दोस्तों हमने अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया है और पासवर्ड भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद वापस फिर इस तरह का कुछ विंडो आ जाएगा आपके सामने में, इस तरह का पेज इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको बैक जाना है, आप बैक हो जाएं, पूरी तरह से वापस हो जाएं जहाँ पे आपका FRP मांगा जा रहा था, आपका गूगल अकाउंट मांगा जा रहा था, आप वहाँ पे वापस हो जाएं। उसके बाद हम वापस आ चुके हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। स्किप करने के बाद उसके बाद हम डायरेक्टली अपने मोबाइल में जो है यहाँ पे इन करेंगे, हमको यहाँ पे नेक्स्ट करते चले जाना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करके हमें फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते चले जाना है। यानी हम अपने मोबाइल को जो है जिस तरह से हम सेटअप करते हैं उसी तरह से हमें सेटअप कर देना है अपने मोबाइल को पूरी तरह से, उसके बाद हमें अपने मोबाइल के अंदर चले जाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।